हेलो गाइस और स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे टोक्यो रिवेंजर का सीजन 2 का पहले एपिसोड के बारे में, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी समरी कर लेते हैं। दोस्तों टोक्यो रिवेंजर के सीजन 1 के फाइनल एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि टाकेमिची ने फ्यूचर बदल दिया होता है और वो टोक्यो मांची गैंग का एक बड़ा लीडर होता है, लेकिन किसाके ने चालाकी से शिफुयू और टाकेमिची के ड्रिंक के अंदर ड्रग्स मिला दिया होता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं और ये उन्हें अगवा कर लेता है। वहां पे ये शिफुयू को खत्म कर देता है और टाकेमिची के पैरों के अंदर गोली मार देता है। इसके बाद सीजन 2 की कहानी शुरू होती है, जहां पे टाकेमिची रो रहा होता है क्योंकि शिफुयू को खत्म कर दिया होता है किसाकी ने। इसके बाद किसाकी इसके सर के ऊपर गन तान देता है और बोलता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है टोक्यो मांजी गैंग के साथ खेलने के बाद। घबराओ मत, मैं बहुत जल्दी तुम्हें शिफुयू के पास भेज दूंगा, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बस तुम इतना ही कर सकते थे? कितनी बुरी बात है, अब तक से तुम मेरे हीरो हुआ करते थे। इसके बाद किसाकी भी रोने लगता है और गोली चलाने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से बिजली चली जाती है और किसाकी के जितने भी बंदे होते हैं उनके ऊपर अटैक हो जाता है। इसके बाद टाकेमिची की आंखें खुलती है, जो किसी और ही जगह पे होता है, यानी कि किसी ने टाकेमिची को बचा लिया है। इसके बाद टाकेमिची बोलता है मैं कहां पे हूं और उठने की कोशिश करता है, लेकिन इसके पैरों में दर्द होता है क्योंकि किसाकी ने इसके पैरों में गोली मार दी होती है। इसके बाद कोई टाकेमिची से बोलता है मैंने तुम्हारी मरहम पट्टी कर दी है, और जैसे ही टाकेमिची घूम के देखता है तब उसके सामने एक लंबे बालों वाला लड़का होता है, जिसको देख के इसको लगता है कि कहीं ये बाजी तो नहीं, लेकिन ये अपना चेहरा माता है और हम देखते हैं कि ये काजू टोरा होता है। काजू टोरा के देखे टाकेमिची हैरान हो जाता है और उसके बाद खुद ही सोचने लगता है कि हाँ 12 साल बीत चुके हैं, अब तक ये जेल से बाहर आ चुका होगा। इसके बाद टाकेमिची आगे बढ़ता है और बोलता है बहुत दिनों बाद मिले हो, लेकिन काजू टोरा किसी और ही मूड में होता है। इसको ये दो पंच जड़ता है और उसके बाद एक लात मार के नॉकआउट कर देता है। इसके बाद काजू टोरा के अंदर कैप्टन लिवाई का भूत चला जाता है और ये इसको बार बार लात मारता है। इसके बाद काजू टोरा बोलता है कि एक दिन ऐसे ही एक लड़की को कुछ लोग पीट रहे थे, मैं गया उसे बचाने के लिए और तब मुझे पता चला कि वो लोग सब टोमान गैंग के हैं। तो फिर तुम मुझे बताओ कि टोमान कब से लड़कियों के ऊपर हाथ उठाने लगा? और दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं कि टोक्यो मांजी गैंग को ही टोमान कहा जाता है, अगर भूल गए हो तो। आगे काजिटोरा बोलता है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, मैं वहां पे सिर्फ शिफुयू को बचाने के लिए गया था। इसके बाद ये एक फ्लैशबैक में जाता है, जहां पे काजिटोरा जेल से बाहर आ रहा होता है, तभी यहां पे शिफुयू अपनी गाड़ी लेके पहुंच जाता है और इसे गाड़ी के अंदर बैठने के लिए बोलता है। आगे शिफुयू बोलता है टोमान अब कुत्तों के हाथों में है, वो सब क्रिमिनल्स है जो बिल्कुल भी रूल्स को फॉलो नहीं करते और पुलिस उनका बाल भी बांका नहीं कर पा रही। मैं टोमान को फिर से वैसा देखना चाहता हूँ जैसा वो पहले हुआ करता था। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं, जहाँ पे काजुटोरो बोलता है कि शिफुयू अकेला लड़ता रहा, लेकिन तुम क्या कर रहे थे? इसके बाद टाकेमिची सोचता है कि अब मैं समझा, इस टाइमलाइन के अंदर मैं इतना बुरा बन चुका था कि शिफुयू मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर पाया। इसके बाद काजुटोरो बोलता है टोमान इतना बड़ा हो गया कि वो अपना रास्ता भूल गया, लेकिन इसके बावजूद भी तुम किसाकी के नौकर की तरह काम करते रहे। ड्राकेन जो हमारी आखिरी उम्मीद थी वो अब फांसी पाने वाला है और माइकी कहाँ पे है किसी को भी नहीं पता। तो टाकेमिची तुम मुझे बताओ टोमान किस तरफ जा रहा है? तुम्हें याद है माइकी ने एक बार कहा था कि वो हमारे लिए एक नया जमाना बनाना चाहता है। जैसे माइकी टोमान को बड़ा करना चाहता था, टोमान बिल्कुल वैसा ही बड़ा हो चुका है। अब ये ड्रग डीलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, इलीगल कैसीनो और यहाँ तक कि पैसे लेके मर्डर करने जैसा क्राइम भी करता है। लेकिन क्या माइकी इसी तरह का टोमान चाहता था? क्या बाजी इसी तरह के टोमान को बचाना चाहता था? इसके बाद टाकेमिची को माइकी की बातें याद आती है, बाजी की बातें याद आती है। बाजी ने कहा होता है कि वो एक ऐसा गैंग बनाना चाहता है जिसके मेंबर्स एक दूसरे के लिए जान भी दे सके। इसके बाद काजिटोरो बोलता है टाकेमिची क्या वो सब इस तरह का टोमान चाहते थे? और इसके बाद टाकेमिची रोने लगता है और बोलता है नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। ये वो टोमान नहीं है जिसे मैं पसंद करता था, जिसके लिए मैं गर्व महसूस करता था। इसके बाद काजिटोरो बोलता है बिल्कुल सही, चलो अपना टोमान फिर से वापस लेते हैं। इसके बाद ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं, जहाँ पे टाकेमिची बोलता है मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं तुमसे अजीब सवाल पूछने वाला हूँ, टोमान ऐसा कैसे बन गया? इसके बाद काजुटोरा इसको घूरने लगता है और टाकेमिची बोलता है कि मेरा मतलब मैं अभी भी शॉक में हूँ, इसलिए मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। इसके बाद काजुटोरा बोलता है ये सब माइकी की वजह से हुआ, माइकी पूरी तरह से बदल गया और उसके बाद टोमान भी पूरी तरह से बदल गया। इतना सुनने के बाद टाकेमिची बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई होगा, जैसे कि किसाकी या फिर किसी और का हाथ होगा। इसके बाद काजिटोरा बोलता है मिसुआ एक महीने पहले गायब हो गया, उसे माइकी को ढूंढने के लिए भेजा गया था लेकिन वो खुद गायब हो गया। तभी इसको किसी का कॉल आता है और ये फोन उठा के कुछ बातें करता है। इसके बाद ये फोन काटता है और बोलता है जब कल रात तुम्हें किसाकी ने बांध के रखा था तब किसी ने पह और पाह दोनों को खत्म कर दिया, वो अपने दोस्तों के ऊपर अब भरोसा नहीं करता।
इसके बाद टाकेमिची बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, माइकी ऐसा सबके साथ कैसे कर सकता है। इसके बाद काजुटोरा बोलता है ये सब माइकी की मर्जी से हो रहा है, कीसाकी उसके ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, असली शैतान तो यहाँ पे माइकी ही है, उन्होंने उसे बदल दिया, मैं उससे बातें करना चाहता हूँ, मैं उन सबसे उसे बचाना चाहता हूँ। इसके बाद टाकेमिची बोलता है उनसे आगे काजुटोरा बोलता है कि कीसाकी का वायलेंस और ब्लैक ड्रैगन का पैसे का कुछ करना होगा, वरना हम कभी भी माइकी को नॉर्मल नहीं कर पाएंगे, अब वो पहला जैसा नहीं है। टाकेमिची मेरी मदद करो, इस बार मैं माइकी की मदद करूंगा, मैं उसे बचाना चाहता हूँ, मैं मांजीरो सानो को बचाना चाहता हूँ। ब्लैक ड्रैगन के जो बाकी के लोग थे वो टोमान के साथ मिल गए और माइकी के करीब हो गए और वो लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद टाकेमिची बोलता है लेकिन ब्लैक ड्रैगन की वजह से ही तो टोमान पैदा हुआ था, और काजुटोरा बोलता है बिल्कुल सही, पहले मेरा कनेक्शन था ब्लैक ड्रैगन से, लेकिन अभी का जो ब्लैक ड्रैगन है पूरी तरह से अलग है, ब्लैक ड्रैगन जितना पैसा कमाती है उसी की वजह से माइकी करप्ट हो चुका है, मुझे उनके हिडन बैंक अकाउंट के बारे में पता चला और मैंने प्लान बनाया कि मैं उनके पैसे को किसी भी तरह से रोकूंगा, और माइकी के राइट हैंड यानी कि कीसाकी को रोकने की जिम्मेदारी थी चिफियो के ऊपर। चिफियो मारा गया क्योंकि उसने कीसाकी को घेर लिया था और इसीलिए मैं उसे बिल्डिंग से बचाने के लिए गया था। इसके बाद टाकेमिची हैरान हो जाता है और बोलता है कि कैसे चिफियो ने उसे घेर लिया था। इसके बाद काजुटोरा बोलता है कि एक दिन एक डिटेक्टिव हमसे मिलने आया था, उसकी बहन को कीसाकी ने मार दिया था इसलिए वो बदला चाहता था। इसके बाद टाकेमिची समझ आता है कि ये नाउटो था और सवाल करता है क्या चिफियो ने उसकी मदद की। इसके बाद काजुटोरा बोलता है हाँ, हमने इन्वेस्टिगेशन किया था हिनाटा टोचिबाना मर्डर केस को और हमें पता लगा कि किसने ऑर्डर दिया था। आत्सुशि शंडो नाम के एक टोमान मेंबर ने अपनी बड़ी कार से एक छोटी कार को टक्कर मार दी जिसको चला रही थी एक स्कूल टीचर, और वारदात पे दोनों की मौत हो गई, क्या तुम्हें कुछ याद आया। इसके बाद टाकेमिची को वो दर्दनाक मेमोरी याद आती है और काजुटोरा बोलता है कि ये ऑर्डर कीसाकी ने दिया था, लेकिन जिस दिन ये सब कुछ हुआ उस दिन वो था ही नहीं, वो तुम्हारे साथ था। इसके बाद टाकेमिची सोचने लगता है कि वो हमसे मिलने के लिए आया था, यानी कि इस टाइमलाइन में आकुन और हिनाटा जब मरे थे तब मैं उनके पास भी नहीं था। और दोस्तों अगर भूल गए हो तो बता देता हूँ, आत्सुशि शंडो ही आकुन है। आगे काजुटोरा बोलता है चिफियो के पास प्रूफ था कि ये ऑर्डर उसी ने दिया था और हमने लगभग कीसाकी को घेर ही लिया था, लेकिन ये सारी गलती चिफियो की है, उसने उसे जाने दिया। इसके बाद टाकेमिची बोलता है क्या, और तभी काजुटोरा बोलता है कि उतर जाओ टाकेमिची, हमारा एक दोस्त उनसे मिलना चाहता है, और टाकेमिची बोलता है कि मुझसे मिलना चाहता है, और ये लंगड़ाते हुए आगे एक गली की तरफ बढ़ रहा होता है और सोचता है कि कौन है जो मुझसे मिलना चाहता है। तभी अचानक से ये स्माइल करने लगता है क्योंकि इसके सामने होता है नोआटा। नोआटा को देख के ये सोचता है कि मैंने इसे ढूंढ लिया, और तब नोआटा बोलता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था टाकेमिची, और इसके हाथों में हथकड़ी पहना देता है और बोलता है कि तुमने मर्डर के लिए किसी को उकसाया था इसलिए मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। टाकेमिची हैरान हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। आगे नोआटा माफी मांगता है हानेमिया काजुटोरा से, और काजुटोरा बोलता है कमीने कहीं गए। इसके बाद टाकेमिची बोलता है अरेस्ट, वो भी मर्डर के लिए, और नोआटा बोलता है तुम्हारे साथ बुरा हुआ टाकेमिची। टाकेमिची सोचने लगता है कि ये सब क्यों हो रहा है। इसके बाद नोआटा टाकेमिची को अपने कस्टडी में ले लेता है और इसको एक वीडियो दिखाता है जिसको सीक्रेटली चिफियो ने ही रिकॉर्ड किया होता है, जहां पे टाकेमिची बात कर रहा होता है किसी से और उसे बोलता है कि हमारे पास कोई मौका नहीं है, ये एक ऑर्डर है। इसके बाद टाकेमिची बोलता है क्या ये मैं हूँ। आगे नाउटो बोलता है कि इसको भी चिफियो ने सीक्रेटली रिकॉर्ड किया था, तुम्हें कैसे समझाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब भी तुम प्रेजेंट में आते हो तब मेरा टाइमलाइन पूरी तरह से बदल जाता है, तुम पास्ट में जो भी बदलाव करते हो वो सब प्रेजेंट में बहुत बड़े बदलाव में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं अभी भी एक पुलिस वाला हूँ, लेकिन तुम इस बार किसी शॉप के लिए काम नहीं करते बल्कि तुम टोमान ग्रुप के एक बड़े लीडर हो। लेकिन इसके बावजूद 10 तारीख को आत्सुशि शंडो ने मेरी बहन को कार से कुचल के मार दिया, और इसीलिए मैं काजुटोरा और शिफियो से मिल गया ताकि मैं कीसाकी को अरेस्ट कर सकूं। टाकेमिची मुझे माफ करना, मुझे पता है तुम अभी भी शॉक में होगे, लेकिन मेरे हालात जैसे हैं मैं तुम्हें अरेस्ट करने के सिवा कुछ और नहीं कर सकता, आगे की वीडियो देखो। इसके बाद टाकेमिची आगे की वीडियो को प्ले करता है जहां पे टाकेमिची ऑर्डर दे रहा होता है आत्सुशि को, वो बोलता है तुम्हें किसी को मानना है, और आत्सुशि शंडो बोलता है कि मुझे किसको मानना है, और टाकेमिची बोलता है कि मुझे उसके बारे में नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है, लेकिन वो टोमान के लिए खतरा है, तुम्हें उसको खत्म करना होगा, तुम्हें डिटेल्स बाद में मिल जाएंगे, अगर ये तुम नहीं करोगे तो कीसाकी मेरे पीछे पड़ जाएगा, समझे आत्सुशि। और इसके बाद टाकेमिची बोलता है कि ये तो आकुन है। इसके बाद वीडियो के अंदर आकुन बोलता है कि मुझे किसको मानना है, और टाकेमिची बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैंने कहा ना तुम्हें डिटेल्स बाद में मिल जाएंगी। इसके बाद आकुन बोलता है एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना था,
मेरी बीवी से मैं कल रात से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, वो प्रेग्नेंट है, उसके पेट में मेरा दूसरा बच्चा है। टाकेमिची प्लीज मेरे लिए बॉस से कांटेक्ट करो। और टाकेमिची चिल्ला के बोलता है चुप हो जाओ, तुम्हें जितना करने के लिए बोला गया तुम सिर्फ उतना करोगे। इसके बाद टाकेमिची बोलता है मैंने आकुन को ऑर्डर दिया किसी को मारने के लिए। तब नाओटो बोलता है यहाँ पे एक और वीडियो है, इसे भी चीफ्यू ने ही रिकॉर्ड किया था, इसे देखो। और जब वीडियो ऑन होता है तब हम देखते हैं कि टाकेमिची तोड़फोड़ कर रहा होता है और चीफ्यू बोलता है तोड़फोड़ करने से कुछ नहीं बदलने वाला। इसके बाद टाकेमिची इसको गाली देता है और बोलता है कीसा की सच में शैतान है, उसने मुझे फंसाया है, मुझे नहीं पता था कि वो उसको मरवा देगा। इसके बाद रियल टाइम में टाकेमिची बोलता है नाओटो बहुत हो गया, और नाओटो बोलता है कि हमारे पास प्रूफ है कि हिनाटा के मर्डर के अंदर किसाकी का हाथ था, ये वीडियो उसका प्रूफ है। और टाकेमिची बोलता है मैंने कहा ना बहुत हो गया। इसके बाद नाओटो बोलता है चीफ्यू ये वीडियो मुझसे छुपा रहा था, वो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद टाकेमिची को आकुन और हिनाटा का फ्लैशबैक आता है और उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है, ये अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है कि इस बार ये मैं था जिसने हीना को मारा। इसके बाद नाओटो बोलता है टाकेमिची तुम्हारा इस्तेमाल किया गया है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। और टाकेमिची बोलता है कि ये सब मैंने किया, मैं कुछ नहीं बदल सकता, मुझसे अब ये और नहीं हो सकता, चाहे मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं लेकिन कुछ भी बदल नहीं रहा, हालात बद से बदतर हो रहे हैं, इस बार मैं था वो जिसने हीना को मारा, मैंने हीना को मारा। और उस चक्कर में चीफियो और आकुन की भी मौत हो गई। और इसके बाद टाकेमिची जोरों से रोने लगता है और तभी नाओटो इसको गले लगा के शांत करने की कोशिश करता है। टाकेमिची बोलता है कि बाजी भी मर गया, ये सब मेरी गलती थी, मैं सिर्फ 12 साल के लिए टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ, मैं बाजी को किसी भी हालत में नहीं बचा सकता। इसके बाद नाओटो बोलता है चिल्लाने और रोने से कुछ नहीं होने वाला, जो तुम्हें फील हो रहा है वही चीज मुझे भी फील हो रही है। और तब टाकेमिची बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हारी बहन को मार दिया, नाओटो अब हार मान लो, मैं कुछ भी नहीं बदल सकता। इसके बाद नाओटो बोलता है तुमने मुझे बचाया, तुमने जो कुछ भी किया उससे काफी मदद मिली, पहले टाइमलाइन के अंदर ना कैन रियुगजी था, ना टोमान था, ना केस की बाजी था और ना ही चिफ्यू था, और इस टाइमलाइन के अंदर भी ये सब एग्जिस्ट नहीं करते, इन सब के इन्फ्लुएंस के बिना हम टोमान में इतने आगे नहीं बढ़ पाते, और इनके इन्फ्लुएंस को सिर्फ एक ही इंसान जिंदा रखता है और वो तुम हो, ये सिर्फ तुम कर सकते हो टाकेमिची, तुम ही टोमान को बदल सकते हो और मेरी बहन हिनाटा को बचा सकते हो, इस दर्द भरी दुनिया को बदल दो टाकेमिची। इसके बाद टाकेमिची शांत होता है और बोलता है लास्ट टाइम जब मैंने टाइम ट्रेवल किया था तब मैं फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन बन गया था टोमान के अंदर, और मुझे लगा था कि इस बार प्रेजेंट में सब कुछ बदल गया होगा, लेकिन उसके बावजूद हिनाटा मर गई, और सबसे भयंकर बात यह है कि मैंने उसे मारा। इसके बाद नाओटो बोलता है ये कोई कॉन्सिडेंट तो नहीं हो सकता, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कीसा की जानबूझ के मेरी बहन को हर बार मार रहा है? और तब टाकेमिची बोलता है क्या? इसके बाद नाओटो बोलता है तुम्हें ये अजीब नहीं लगता, चाहे तुम कितनी बार भी कोशिश क्यों ना कर लो लेकिन हर बार कीसा की मेरी बहन को मार देता है, ये कोई कॉन्सिडेंट नहीं हो सकता, ये बहुत बार हो रहा है, हर बार वो किसी ना किसी तरह से मेरी बहन को मार देता है। इसके बाद टाकेमिची हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? नाओटो बोलता है कि जरूर टेटा कीसा की और तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है, या फिर टेटा कीसा की तुम्हारे और मेरी बहन के बीच कुछ तो है। इसके बाद टाकेमिची को याद आता है कि कीसाकी ने इसको आखिरी बार के लिए मेरा हीरो बोला होता है, और तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। इसके बाद नाओटो बोलता है कि मैं सब कुछ प्लान करना चाहता हूँ लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है, ये तुम्हें जेल के अंदर भर देंगे और उसके बाद मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। ये अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि ये हैंडशेक करके फिर से टाइम ट्रेवल कर सके, लेकिन टाकेमिची झिझक रहा होता है। और तब नाओटो बोलता है कि पास्ट में जो कुछ भी तुम्हारे और टेटा कीसाकी के बीच में हुआ है वही पे राज छुपा हुआ है कि क्यों मेरी बहन हर बार मर रही है। और तब टाकेमिची हाँ बोलता है और इससे हैंडशेक करके टाइम ट्रेवल शुरू करता है। और जब टाइम ट्रेवल हो रहा होता है तब टाकेमिची सोचता है काजुटोरा चीफ्यू तुम दोनों का शुक्रिया, तुम दोनों की वजह से मुझे पता है कि हमारा दुश्मन कौन है, पुराने ब्लैक ड्रैगन मेंबर और कीसाकी की वजह से माइकी करप्ट हो चुका है, मैं इन्हें टोमान से निकाल दूंगा और हिनाटा को बचा लूंगा, मैं सबको बचाऊंगा। तभी ये 12 साल पीछे आ जाता है जहां पे ये वॉलिंग बॉल कर रहा होता है और इसने लगातार तीसरा स्ट्राइक किया होता है। इसके साथ हिनाटा होती है जो इसको स्ट्राइक करता हुआ देख के काफी ज्यादा हैरान होती है और साथ में खुश हुई। इसके बाद हिनाटा टाकेमिची के पास आके बोलती है तुम कमाल के हो, इसको दोनों हाथों से ताली देती है और आगे ये बॉलिंग करने के लिए जाती है और बोलती है कि मैं इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं करती और ये सच में नहीं भी करती है। इसके बाद टाकेमिची सोचता है कि जो प्रेजेंट में देख के आया हूँ हिनाटा को हंसता हुआ देख के मुझे काफी सुकून मिल रहा है। और तब हिनाटा बोलती है कि क्या बात है, और हम देखते हैं टाकेमिची को जो रो रहा होता है लेकिन बोलता है नहीं कुछ नहीं। इसके बाद हिनाटा बॉल को फेंकती है लेकिन बॉल ट्रैक पे ना जाके साइड वाला जो लेन होता है उसमें चला जाता है, और टाकेमिची बोलता है कि ये कितनी क्यूट है। आगे हम देखते हैं हिनाटा को जो बोलती है कि ये तो फिर से गटर बॉल हो गया, यानी कि हिनाटा ने अभी तक एक बार भी
ट्रैक में ही फेंका नहीं होता बॉल को। इसके बाद टाकेमिची अपने शू ग्लव्स को देखता है और बॉल भी होता है जो इसका पर्सनल बॉल होता है और ये समझ जाता है कि शायद इस टाइम पे ये बॉलिंग बॉल के लिए काफी ज्यादा सीरियस है। इसके बाद टाकेमिची के अंदर से ऑरा फ्लो होने लगता है और टाकेमिची बोलता है देखो हिनाटा अब मैं क्या करता हूं, ये मेरा लगातार चौथा स्ट्राइक होगा और ये अपना बॉल को फेंकता है। तब हम देखते हैं कि इसके साथ एक और बंदा होता है जिसने भी अपना बॉल फेंका होता है और दोनों का एक साथ स्ट्राइक होता है, जिसको देखने के बाद हिनाटा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, टाकेमिची भी हैरान हो जाता है। इसके बाद वो बंदा बोलता है कि हम दोनों को स्ट्राइक मिला और हमने ये परफेक्टली एक साथ किया और ये बंदा कोई और नहीं ब्लैक ड्रैगन का एक मेंबर होता है, जिसको देखने के बाद टाकेमिची हैरान हो जाता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि सीजन 1 देखा है या फिर अभी तक नहीं देखा। दोस्तों इसका नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक में आएगा और उसको देखने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और अगर चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल का आइकन ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोर से दबा दो, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।